वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। कांग्रेस की तेलंगाना यूनिट में आंतरिक कलह तेज होती दिख रही है और प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के 13 सदस्यों ने कुछ वरिष्ठ नेताओं की इस टिप्पणियों के विरोध में रविवार को इस्तीफा दिया कि अन्य दलों से कांग्रेस में आए लोगों को प्रमुखता मिली है और इन 13 सदस्यों में कांग्रेस विधायक डी अनुसुईया और इसके साथ ही पूर्व विधायक वी नरेंद्र रेड्डी भी शामिल है। अभी बातचीत आंध्र प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री राजनरसिंह ने ही तेलुगु और इसके साथ ही देशम पार्टी के कुछ पूर्व नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने के संबंध में शनिवार को कहा था कि अगर दूसरे दलों से कांग्रेस में आने वालों को पार्टी में तवज्जो दी जाएगी तो इससे मूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच क्या संदेश जाएगा और आंध्र प्रदेश के वही उप मुख्यमंत्री दामोदर राजनरसिंह ने ये टिप्पणी तब कांग्रेस विधायक दल के नेता मल्लू भट्टी विक्रमार्क, लोकसभा सदस्य एन उत्तम कुमार रेड्डी, पूर्व सांसद मधु यशकिगोड़ और पार्टी विधायक टी जयप्रकाश रेड्डी भी उनके साथ मौजूद थे। ये नेता प्रदेश अध्यक्ष और सांसद ए रेवंत रेड्डी से नाराज हैं और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी ने अंत कलह को लेकर पत्रकारों के सवाल पर प्रत्यक्ष रूप से जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान इन सभी मुद्दों पर गौर करेंगे और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार गांव से लेकर राज्य स्तर तक के नेता 26 जनवरी को तेलंगाना में पदयात्रा निकालकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नाकामियों को उजागर करेंगे। और इसके साथ ही रेड्डी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली सरकार ने कांग्रेस वार रूम से ही महत्वपूर्ण जानकारी चुरा ली है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता पार्टी को राज्य में सत्ता में लाने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे और इससे पहले पूर्व विधायक ई अनिल ने मीडिया को संबोधित करते हुए वरिष्ठ नेताओं से साथ मिलकर काम करने और राज्य में पार्टी को फिर से सत्ता में लाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि पार्टी में सभी लोग वरिष्ठों का सम्मान करते हैं। पूर्व विधायक ई अनिल ने पार्टी के कुछ नेताओं को प्रवासी बताए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने वरिष्ठ नेताओं से तेलंगाना में बीआरएस के नेतृत्व वाली और केंद्र में बीजेपी की सरकार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का आग्रह किया और हाल में मुनुगोड़े विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी की प्रदेश इकाई में आंतरिक कलह देखने को मिली है। राजधानी दिल्ली में आज आरएसएस से जुड़ा भारतीय किसान संघ प्रदर्शन करने जा रहा है और इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब समेत देश के अन्य राज्यों में किसान शामिल होने वाले हैं। आयोजकों के अनुसार 700 से 800 बसों के माध्यम से लगभग 50,000 से 55,000 लोगों और निजी वाहनों के माध्यम से 3,500 से 4,000 लोगों के रैली में भाग लेने के लिए आने की संभावना जताई गई है। भारतीय किसान संघ ये रैली किसानों की स्थिति में सुधार को लेकर निकाल रहा है जिसमें कुछ मांगों का भी जिक्र किया जाएगा और भारतीय किसान संघ की माने तो फल, अनाज, दूध, सब्जियों आदि उपलब्ध कराने वाले किसान कृषि उपज का पर्याप्त मूल्य न मिलने से नाखुश हैं और संघ का कहना है कि इसके चलते अब तक कई किसान आत्महत्या भी कर चुके हैं। भारतीय किसान आज होने वाली इस रैली में जिन मांगों का जिक्र करेंगे उनमें से एक ये भी है कि सभी कृषि उपज के बदले उपयुक्त मूल्य दिया जाए और साथ ही इस पर किसी भी तरह से जीएसटी नहीं लगाई जाए और साथ ही किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता को भी बढ़ाया जाए। बाराबंकी में सफदरगंज निवासी रमेश चंद्र ने अपने खेत की तार बंदी उसमें अपने ट्यूबवेल से बिजली के करंट से जोड़ दिया था जिसके बाद करंट की चपेट में आने से दो गायों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि राहुल गुप्ता ग्राम चक मजरे रहमराम थाना सफरगंज जिला बाराबंकी का निवासी है और राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी का ब्लॉक महामंत्री है और मामले के बाद उपरोक्त खेत मालिक रमेश चंद्र ने खेत से तार और लट्ठे हटा दिए और गाय को ट्रैक्टर पर लादकर वहां से करीब 1 किलोमीटर दूर अपनी ही बाग में झाड़ियों के बीच दिया और मामलों को लेकर इलाके में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है।
बाराबंकी में नगर पंचायत अंतर्गत दिनेश रावत विधायक, सुंदरलाल दीक्षित पूर्व विधायक, सुनील कुमार सिंह ब्लॉक प्रमुख, अजय तिवारी नन्हे नेता और रणविजय सिंह पिंकू आदि सैकड़ों भाजपाई नेताओं ने मेन मार्केट से पाकिस्तान के मंत्री बिलावल भुट्टो को लेकर ही पुतला लेकर उनका पाकिस्तानी विरोधी नारे लगाते हुए हैदरगढ़ मेन चौराहे पर लाकर पुतले में पेट्रोल डालकर आग लगा दी और जमकर पाकिस्तानी विरोध, बिलावल भुट्टो के विवादित बयान के विरोध में जमकर नारे लगाए और मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा। बिलावल भुट्टो के ही पुतला जलने के बावजूद घंटों जाम लगा रहा, जिससे यात्रियों को काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। तो आपको बाराबंकी से खबर बता रहे हैं, जहां पर बिलावल भुट्टो को लेकर लगातार विरोध देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा भी किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बिलावल भुट्टो के पुतले को आग लगाई जा रही है और इसके साथ ही चप्पलों के साथ पुतले को पीटा भी जा रहा है और भारी मात्रा में लोग जो थे वो वहाँ पर मौजूद थे, बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने बिलावल भुट्टो को लेकर जमकर नारेबाजी करी और विरोध में जमकर वहां पर पुतले पर पिटाई भी की है। खबर उन्नाव से है, जहां आवास विकास में मौजूद एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया। वहीं आग की सूचना थाना पुलिस को तक पहुंची और आग को बढ़ता देख दमकल विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आग लगने से लाखों का माल जो है वो जलकर खाक भी हो गया है। तो उन्नाव से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में भीषण आग लगी है। जानकारी सामने आई है कि भीषण आग के कारण लाखों का नुकसान हो गया है। हालांकि गनीमत रही कि किसी के जन हानि होने की अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है। बता दें आपको कि दमकल अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहाँ पर दमकल अधिकारियों ने आग पर काबू पा लिया है। तो उन्नाव से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। बताया जा रहा है कि भीषण आग लगी है और इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में भीषण आग लगी है, जानकारी सामने आई है। वहीं आग की खबर मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और दमकल अधिकारी भी वहां पर पहुंचे सूचना मिलते ही, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। बता दें आवास में ही विकास में मौजूद एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से आसपास इलाके में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप भी धारण कर लिया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन नाकाम होने पर उन्होंने दमकल अधिकारी को सूचना दी और आग को बढ़ता देख दमकल विभाग को जब सूचना दी गई तो मौके पर पहुंचे 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। बता दें आपको, जानकारी सामने आई है कि आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक हो चुका है। और इसी खबर पर हमारे साथ उन्नाव से हमारे सहयोगी मोहम्मद अब्बास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद अब्बास, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, ये दही थाना इलाके के आवास विकास कॉलोनी स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान थी, जहां ये बताया जा रहा है कि जो शॉर्ट सर्किट की वजह से इसमें आग लग गई और आग ने इतनी तेजी पकड़ ली कि वहां के आसपास के लोग में जो हड़कंप मच गया, उन लोगों ने जो सूचना और जो समर टेबल पाइप से आग बुझाने का प्रयास किया, अगर आग काबू नहीं पाई गई तो उन्होंने फायर ब्रिगेड को सूचना दी है। तो वहाँ दमकल की गाड़ियां जो आई हैं तो उसने आग पर काफी मशक्कत रेस्क्यू किया है। 1 घंटे के बाद 3 गाड़ियों ने जब आग पर जी अब्बास, जो जानकारी सामने आई है कि इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में भीषण आग लगी थी, वहाँ पर लाखों का नुकसान भी हुआ है। जी, जो शहर के आवाज का कॉलोनी में जो दुकान में आग लगी थी, वहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक दुकान जो मालिक था उसने जो अपना बयान बताया है कि लगभग जो हमारे दुकान के माल था वो 20 लाख के करीब था, जो जल के खाक हो चुका है। अब इसकी जानकारी जो है वहाँ और जो लोग हैं वो उसमें बताया जा रहा है कि आग कैसे लगी, क्या हुआ, जानकारी ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से की आग बताई जा रही थी। जी, दमकल की कितनी गाड़ियां वहाँ पर पहुंची हुई थी अब्बास? जी, मौके पे दमकल की जो सूचना पे पहुंची गाड़ियां, पहले एक गाड़ी पहुंची है, जब आग पर काबू नहीं पाया तो फिर दूसरी पहुंची है, फिर उसके बाद फिर भी जब काबू नहीं पाई आग में तो तीसरी गाड़ी वहां पे पहुंच करके फिर आग को काबू में पाया गया। जी जी अब्बास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए।
फरुखाबाद में तापमान गिरने के साथ ठंड और ठिठुरन बढ़ गई है और कल रात से ही जबरदस्त कोहरा फैला हुआ। आपको बता दें कि साथ ही मौसम की जानकारी के अनुसार बताया गया है कि ये सर्दी का पहला कोहरा है। वहीं कोहरे से वाहनों की रफ्तार थम गई है और साथ ही धुंध बढ़ने की वजह से ही विजिबिलिटी भी कम हो गई है। वाहन चालकों की थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। तो आपको फरुखाबाद से खबर बता रहे हैं जहाँ पर रात में ठंड का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि तापमान गिरने के कारण ही ठंड जो है वो लगातार बढ़ गई है और रात से ही जबरदस्त कोहरा भी पड़ रहा है। वहीं जो फरुखाबाद में लोग हैं वो लगातार ठंड से बचने के लिए आग सेकते हुए साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं और ठंड के कारण जो गाड़ियों की रफ्तार है वो भी कम होती हुई नज़र आ रही है। फरुखाबाद पहुंचे महामंडेश्वर योगी नवलगिरी महाराज ने आने वाली फिल्म पठान के ऊपर जबरदस्त तरीके से हमला किया है। आपको बता दें कि बीते दिनों पठान ट्रेलर रिलीज होने के बाद जिस तरीके से फिल्म भगवा रंग की सीन को ही प्रयोग किया गया है, तभी से संत समाज के अंदर काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है और संत समाज का कहना है कि जिस तरीके से इस फिल्म में भगवा रंग का प्रयोग किया जा रहा है वो सरासर गलत है। फरुखाबाद पहुँचे महामंडेश्वर से जब न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया से बातचीत की गई है तो फिर सीधे तौर पर फिल्म मेकर फिल्म के ऊपर जबरदस्त हमला करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। श्रद्धांजलि और मुझे फरुखाबाद वासियों का सबको बड़ा शुभ आशीर्वाद है कि राष्ट्र के लिए, प्रदेश के लिए, जिले के लिए सारे लोग मिलकर काम करें। सबका काम है फरुखाबाद को स्वस्थ बनाए, स्वच्छ बनाए, पवित्र बनाए। गंगा जी का किनारा है, गंगा मैया टेम्पल है, गंगा जी को पवित्र रखने के लिए, फरुखाबाद को साफ सुथरा रखने के लिए मैंने सबों से आग्रह किया है कि अब सबको आगे आना चाहिए। फरुखाबाद के लिए सुख शांति के लिए खाना बनाते हुए, साफ सफाई रखते हुए सबको श्रद्धांजलि सभा में आज जब आप आए हैं तो चुनाव जो है वो चुनाव की बात भी रही होगी, तो चुनाव को लेके क्या आशीर्वाद दिया है आपने? चुनाव में तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक वो परिवार है जो फरुखाबाद की सेवा करता रहा है हमेशा से, इनका पूरा परिवार, पूरा खानदान फरुखाबाद की सेवा करता रहा है, तो ये इनके बढ़िया ही बात है। तो इसमें से ही कोई निकल के आएगा फिर सेवा करेगा, तो करण सिंह बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसके लिए आशीर्वाद है। लखीमपुर खीरी में 15 गोवंशीय पशुओं की हत्या से क्षेत्र में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि गायों को काटकर हत्या के बाद कुछ पशुओं के टैग भी बरामद हुए हैं और मामले को देखते हुए क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन, एडिशनल एसपी थाना खीरी और एसएचओ सीओ मौके पर मौजूद रहे और साथ ही विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित तमाम हिंदू संगठन लोगों के मौके पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा ही जेसीबी से उसी गन्ने के खेत के पास में उनके सिर, खाल आदि को गड्ढे खोदकर दफना दिया और वहीं आरोप है कि पुलिस मामले को रफा दफा कर रही थी, लेकिन हिंदू संगठन के विरोध के चलते पुलिस ने NSA एक्ट के तहत ही मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और वहीं SSP अरुण कुमार सिंह ने बताया है कि जो भी आरोपी है उनकी बहुत जल्द गिरफ्तारी होगी और उन पर NSA के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। तो आपको लखीमपुर खीरी से खबर बता रहे हैं जहां पर 15 गायों की हत्या का मामला सामने आया है। बता दें आपको कि हत्या के मामले सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। लखीमपुर खीरी में 15 गोवंशीय पशुओं की हत्या से क्षेत्र में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है और आपको ये भी बता दें कि गायों को ही काट कर हत्या के बाद कुछ पशुओं के टैग भी बरामद हुए हैं और मामले को देखते हुए क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन, एडिशनल SP थाना खीरी, SHO, CO मौके पर मौजूद रहे और साथ ही विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सहित तमाम हिंदू संगठन लोग जो थे वहां पर मौजूद रहे और पुलिस द्वारा JCB से उसी गन्ने के खेत के पास से उनके सिर, खाल आदि को गड्ढे खोदकर दफना दिया गया। वहीं आरोप है कि पुलिस मामले को रफा दफा कर रही है, लेकिन हिंदू संगठन के विरोध के चलते पुलिस ने NSA एक्ट के तहत ही
मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और वहीं एसएसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया है कि जो भी आरोपी है उनकी बहुत जल्द गिरफ्तारी होगी और उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। थाना कोतवाली क्षेत्र में आज प्रातः गन्ने के खेत में गोवंश के अवशेष मिले थे, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा सभी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूर्ण की गई है। पूरे प्रकरण पे अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं सभी दोषियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। दोषियों के विरुद्ध एनएसए एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। यूपी के फतेहपुर में भारत जोड़ो यात्रा लेकर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष का जिले में जोरदार स्वागत किया गया। और भारत जोड़ो यात्रा लेकर पहुंचे पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र में जोरदार स्वागत कांग्रेसियों ने किया है। पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि इस बार नगर निकाय चुनाव में पूरे प्रदेश में ईमानदार प्रत्याशी सभी पदों पर उतारा जाएगा और नगर पालिका में कांग्रेस का कब्जा होगा। तो फतेहपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष अनिल जो है वो उनकी बात सामने आई है। कहा है कि भाजपा फैला रही है नफरत, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। और पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष अनिल यादव का ये बयान सामने आया है, जिसमें यूपी के फतेहपुर में भारत जोड़ो यात्रा लेकर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष का जिले में जोरदार स्वागत भी किया है। और इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि भाजपा जो है वो नफरत फैला रही है। बता दें आपको कि भारत जोड़ो यात्रा लेकर पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र में जोरदार उनका स्वागत कांग्रेसियों ने किया। और पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि इस बार नगर निकाय चुनाव में पूरे प्रदेश में ईमानदार प्रत्याशी सभी पद पर उतारा जाएगा और नगर पालिका में कांग्रेस का कब्जा होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।